नमस्कार दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की राजनीति जिस थाली में खाओ उसमें छेद करो की है? क्या इनकी राजनीति दूसरे सभी अपने सहयोगियों को कमजोर कर देने की है? और क्या ये अपने साथियों को कभी भी बीच में धोखा दे सकते हैं, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए उनके साथ आते हैं? कुछ देर स्वार्थ साधने के बाद क्या पूरी तरीके से मिटा देने की इनकी राजनीति है? कमोबेश आज जब हम यही सारी चीजें देखते हैं तो निश्चित रूप से इन सवालों का जवाब हां में होता है। सवाल कैसे खड़े होते हैं इसकी शुरुआत करता हूं। उन दिनों की बात है, 99 की बात मैं बता रहा हूं। मैं उन दिनों अमर उजाला अखबार का यहां पर प्रतिनिधि था और उस दौरान नरेंद्र मोदी यहां संगठन के प्रभारी थे। उन्हीं के साथ साथ दूसरे और प्रभारी थे, वो थे संगठन के मनोहर लाल खट्टर। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक बाइक थी उनके पास, और बाइक क्या स्कूटर थी, और उसी में खट्टर साहब जो है बैठा करके नरेंद्र मोदी को घुमा करते थे, साथ ही साथ रहा करते थे और तमाम चीजें। तो परसों जब नरेंद्र मोदी गुड़गांव में उद्घाटन कर रहे थे द्वारका एक्सप्रेसवे का, तो उस दौरान उन्होंने इसका जिक्र किया कि एक वक्त था जब हम और मनोहर भाई एक साथ इस तरीके से रहते थे, दरी पे सोते थे और कैसे कैसे चलते थे। तो सारी बातें बताएं, मनोहर लाल बार बार हाथ जोड़ रहे थे कि वाह प्रधानमंत्री जी, आपको याद है कि कितने हमने अच्छे दिन गुजारे थे। और आज उन्हीं मनोहर लाल के नीचे से मोटरसाइकिल निकल गई। मोटरसाइकिल जरूर वो चलाते थे, स्कूटर जो भी था वो निकल गया उनके पास, और वो पहुंच गया जो कभी मनोहर लाल की गाड़ी चलाया करते थे, वो नायब सैनी के पास। अब नायब सैनी गाड़ी नहीं चलाएंगे बल्कि गाड़ी उनके नीचे होगी, वो ऐसे घूमेंगे और मनोहर लाल पैदल। राजनीति है किस तरीके से करेंगे यह अलग बात है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि यह है नरेंद्र मोदी, इस तरह से दोस्ती निभाते हैं, अच्छा भी करते हैं खराब भी करते हैं जो भी कहिए, क्योंकि लगातार उनकी राजनीति इसी पर टिकी होती, और वो सिर्फ इनके साथ नहीं करते, सबके साथ करते हैं। अब मैं बताता हूं कि इनकी राजनीति है क्या। इनकी राजनीति दूसरे को खत्म करके पैदा होती है, और इसकी आप देश के मस्तक यानी जम्मू कश्मीर से शुरू करिए तो तमिलनाडु तक आपको यही दिखाई देगा। उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें देशद्रोही कहते थे और न जाने क्या क्या कहते थे, उन पीडीपी के साथ में मिलकर के सरकार बना ली, और पीडीपी को बड़ा भाई बाप जो भी कहो बना लिया, उनके आगे मत्था टेके खड़े थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री रहे, हाथ जोड़े खड़े रहे, उनकी बेटी मुख्यमंत्री रही, हाथ जोड़े खड़े रहे, और 3.5 साल सरकार चलाने के बाद में अचानक सब कुछ बटोरने के बाद में एक दिन उनकी ही सरकार को बर्खास्त करवा दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, आप नहीं राज है क्योंकि प्रधानमंत्री हमारा, और उसके बाद में धीरे धीरे वहां का सारा स्टेटस खत्म कर दिया, राज्य को यूटी बना दिया, दो टुकड़े कर दिए, तमाम चीजें। जम्मू कश्मीर आज बिलख रहा है तमाम उन चीजों के लिए कि हमारी न स्वायत्तता रह गई, न हमारी स्थितियां रह गई, हमारे अधिकार छिन गए और सब कुछ चला गया। हमें क्या मिला? आपने अनुच्छेद 370 की कुछ धाराएं खत्म करके जिस तरीके से किया उससे लाभ क्या मिला? 35A खत्म करने से हमें क्या लाभ मिला? हमारा तो सब कुछ छिन गया। बहरहाल कोई सुनने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, वहां इलेक्शन भी नहीं हो रहा है। इतने साल
इलेक्शन ना हो, बड़ी अजीब स्थिति है। यानी हालात ठीक नहीं है, यह बात इसी से साबित होती है। एक चीज उसे नीचे आई है, पंजाब। पंजाब में अकाली दल बादलों को बड़ा भाई और सब कुछ बना करके उनके साथ में किस तरीके से था। प्रकाश सिंह बादल के आगे शीश झुकाए खड़े होते थे, सुखबीर बादल सीधे बात करते थे, और हालत ये हुई धीरे 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 कि बादलों को खत्म कर दिया, अकाली दल को तोड़ फोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कमेटी में भी सेंध लगा दी, और न जाने क्या क्या किया। नतीजतन बादल परिवार वहां ठप सा पड़ गया। जिनके साथ मिलकर सरकार चलाते थे, जिनके बूते सत्ता में बैठते थे, उन्हीं को खत्म कर दिया, मलाई खाते थे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में हिमाचल विकास कांग्रेस थी, और उस पार्टी के साथ में गठबंधन करके किस तरीके हिमाचल क्रांति दल थी, उन सब के साथ में किस तरीके से बनाया और करके किया और उन सबको खत्म कर दिया, और साहब अपना ही अपना है, हम ही हैं और कोई नहीं, तो वहां की ट्रेडिशनल सब खत्म हो गए। इसके बाद बगल में उत्तराखंड, उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल हुआ करता था, जिसने 1979 से लड़ाई लड़ी थी अलग उत्तराखंड की, और सब कुछ और उनके साथ खड़े हुए, उनको बड़ा भाई बनाते थे, और अंत में यह हालत आ गई कि उन्हीं को खत्म कर दिया और साफ भाजपा भाजपा हो गई। इसके बाद आप इसी तरीके से राजस्थान में, राजस्थान में दो तीन छोटी पार्टियां थी, उनका सहयोग लेकर के किस तरीके से सरकार बनाते थे और अपने आप को करते थे, उनको धीरे धीरे सबको खत्म कर दिया, खुद के लिए अलावा और किसी को नहीं रहने। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कुछ आदिवासियों की, कुछ और दूसरे लोगों की, पिछड़ों की पार्टियां थी, उन सबको धीरे धीरे तोड़ दिया। पहले तो उनको साथ लिया, उन्हें बड़ा वो बताया, और उसके बाद में उन्हें खत्म करके अपने को बना लिया। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ का जब अलग का आंदोलन चल रहा था, वहां का आंदोलन लड़ने वाली पार्टियों को खत्म कर दिया और खुद ही काबिज हो गए, जिनके सहयोग से खड़े हुए। इसके बाद महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र में ये शिवसेना के साथ हुआ करते थे, शिवसेना बड़ी भाई थी, और हालत ये हुई कि धीरे धीरे उन्हें छोटा करने में लग गए, और इतना छोटा कर दिया कि अब आपको ये मानना होगा, नहीं तो ये करना होगा। अंत में वो अलग हो गए, अलग होने के बाद उन्हें खत्म करने पे लग गए, और अंत में उनके तोड़ ताड़ के बिल्कुल बराबर कर दिया। इसी तरीके से इसी दौर में बनाने की कोशिश की थी एनसीपी को तोड़ करके, और एनसीपी को तोड़ लिया। शरद पवार को बड़ा भाई कहते थे। इसी तरह गुजरात में कुछ वहां की आदिवासी और दूसरों की पार्टियां थी, उन सब में भी धीरे धीरे सेंध लगाई और उन्हें भी तोड़ लिया। कुछ आम आदमी पार्टी और उनके लोगों को खड़ा करवाया अपनी तरफ से दे करके, और उसके बाद में उन्हें ले आए, तो इस तरह से वहां पर उनका भी खात्मा कर दिया। इसी तरह गोवा में जो गोवा की अपनी लोकल पार्टियां थी, उन सबको भी धीरे धीरे खा गए, जिनके बूते वो खड़े हुए थे कांग्रेस के खिलाफ, वो भी वो कमोबेश। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु देशम पार्टी है, उसके साथ में पहले समझौता, उसे बड़ा भाई बनाया, सब कुछ किया कांग्रेस के खिलाफ वो किया, और बाद में धीरे धीरे उसे खत्म करने पे लग गए, खत्म सा कर दिया। अभी उनके साथ समझौता किया है दोबारा, बिचारों को जेल में डाला गया, सब कुछ हुआ, कहीं पे भी मदद नहीं करी। और इसी तरीके से जब तेलंगाना का आंदोलन हो रहा था, तो उस आंदोलन में कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे उन लोगों के साथ, और जैसे ही ये हो गया तो फिर उन पार्टियों को धोखा दे करके खुद को हीरो बनाने में लग गए। कर्नाटक में भी यही स्थिति है, तमिलनाडु में AIDMK को अपना बड़ा भाई बनाते थे, अब जो भी बनाते थे, और हालत ये उनके बूते सांसद भी एक बार जितवाया, और भी बहुत सारी चीजें हुई, और अब उसको न सिर्फ तोड़ा, इतना खराब कर दिया कि वो एक प्रकार से नगण्य हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, और उसके सारे उसको करके अपनी पार्टी को
एक जगह बनाने में लग गए। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट की तमाम पार्टियां हैं छोटी छोटी रीजनल, उनको किस तरीके से खा लिया है वह भी हमने सबने देखा, और उन्हीं की मदद से वहां खड़े हुए, जिनकी मदद से खड़े हुए उन्हें ही खत्म कर दिया। इसी तरह असम में भी किया है, इसी तरीके से केरल में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है, और इसी तरीके से पौंडचेरी में इसी तरीके से किया। तो आगे आप बढ़िए, इसी तरह से बिहार में आप देखेंगे, बिहार में तमाम सारे दलों के साथ में जिस तरीके से मिलके किया, और उनमें कई दल तो खत्म हो चुके हैं, विलय करा चुके हैं, और जो नीतीश कुमार बड़े भाई थे उनको धीरे धीरे इतना कमजोर कर दिया कि वो आधे में भी नहीं रहे। जिनकी एक समय 100 के आसपास होती थी सीटें, वो 45-46 पे आके टिक गए, इस दशा में आके कर दिया, और अब की झटके के बाद वो खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ किया, बहुजन समाज पार्टी को बहुत वो किया, और उसके बाद में धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का सब कुछ तोड़ लिया, और हमने देखा चाहे कल्याण सिंह के समय में हो चाहे और समय में हो कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को उसी को तोड़ा और उसी को खत्म करने की दिशा में काम किया। वो एक बार फिर खड़ी हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे, और आज स्थिति ये है कि बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही। आप यदि उड़ीसा में देख ले, उड़ीसा के दो आदिवासी पार्टियों को जिनकी मदद से खड़े हुए उन्हें ही खत्म कर दिया, वनवासी हो गए साहब। और आप इसके बाद में झारखंड में देख लीजिए, आजसू और ये सबके साथ में जो खड़े हुए अंत में आज वो भी खत्म से है, इस दशा में लाके खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, चाहे राजभर हो, निषाद हो, ये हो, वो हो, सबको बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। अभी चुनाव आया है तो राजभर और उनको मिनिस्टर बना दिया, नहीं तो इतने दिन तक वो चिल्ला रहे थे कोई नहीं सुनने वाला था, वो भी उन्हें खत्म करने की बात कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। अब मंत्री बन गए तो चलिए कम से कम अभी लोकसभा निकल जाएगा, उसके बाद देखें। तो इस तरह के हरियाणा में आप देख ली, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर के होते थे और उनके साथ किस तरीके से वो बड़ा भाई होता था, और इंडियन नेशनल लोकदल को पहले दोनों भाइयों को लड़वाया, पिता को अलग किया, जेल जाने की नौबत डाली, सब कुछ करने के बाद में इस दशा में कर दिया कि वो कहीं के नहीं गए। अभी दूसरा जो पोता था चौटाला साहब का, वो उनके साथ था, आज उससे भी खत्म कर दिया और उसे भी पैदल कर दिया। उनकी पार्टी के 7 MLA टूट गए, मतलब अब पार्टी 2-3 लोगों की बची है, काम खत्म हो गया उसका भी। तो इनेलो भी खत्म किया, JJP भी खत्म किया, और सारे स्टेट्स खुद लिया। इसी तरीके से सैनियों की एक पार्टी थी, उसे भी उसी तरह से कर दिया। उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में यदि देखिए, जो राष्ट्रीय लोकदल है उसको किस तरीके से अजीत सिंह को पहले लाते फिर निकालते फिर ये करते और करते 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 उनका बंगला भी छीना, सब कुछ छीना, और सारी चीजों के बाद में जब बड़ी मुश्किल से अखिलेश यादव ने जयंत को राज्यसभा में भेज के एक इज्जत दी, उसके बाद में अब ये लगे थे और धीरे से करके उनसे समझौता करके अब उन्हें भी ना के बराबर कर दिया, आप हमारे गुलाम बन के रहो उतना ही बहुत। तो कमोबेश ये चीजें दिल्ली में जिन नेताओं ने खड़ा किया, सब कुछ बनाया, उन्हीं को ही खा गए, और खुद नरेंद्र मोदी अपने गुरु और जो उनके सबसे पुरोधा थे भारतीय जनता पार्टी के, अटल, आडवाणी, जोशी, सब कहां है किस गर्त में आप समझ सकते हैं। अटल जा चुके हैं, आडवाणी और जोशी मृत प्राय। इस तरह की स्थिति और सभी राज्यों में आप देखिए, बिल्कुल उस तरह के लोग हैं, जो साहेब कह दें वही है भगवान का वाक्य, ऐसे लोग रखते हैं। मुख्यमंत्री बदलने का देखिए आप क्रम, चाहे आप गुजरात देख लीजिए, रूपाला हो, दूसरे हो, और सबको कब बनाया, कब निकाला, कब मुख्यमंत्री बदल दिया, खुद मुख्यमंत्री को नहीं पता चला हम बदल गए,
इसी तरीके से उत्तराखंड में हमने देखा। अब चूंकि अपने मित्र खट्टर के कारण बड़ी स्थितियां खराब थी, विरोध बहुत था, तो कहा क्या करें, सबसे ज्यादा तो हमें जरूरत इसकी है, दोस्ती वोस्ती तो होती रहेगी। तो साहब खट्टर पैदल हो गए। तो नरेंद्र मोदी के साथ में जो आता है वो पैदल हो जाता है, वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, और छेद ही नहीं कर देते, पूरी खोखली कर देते हैं। वो पार्टी हो, वो व्यक्ति हो, वो लोग हो, जो भी है, वो गुलामी में आ जाते हैं, न बोलने की स्वतंत्रता है ना कुछ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस राजनीति के तहत नरेंद्र मोदी खड़े हो, और जहां कोई बहुत स्ट्रांग होता है तो वह दुनिया से चला जाता है, हरेन पांड्या हमारे सामने। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग, जहां जरूरत होती नफरत की तो नफरत के पूरे खेल खेले जाते हैं। मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं सीए का जिस तरीके से नोटिफिकेशन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है फिर भी वो हुआ। इसके बाद इसी तरीके से तमाम जगह पे तमाम नेताओं को हमने देखा, यशवंत सिन्हा हो, ये सारे लोग हो, सबको खत्म करने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी की नीति। जैसे हिमाचल प्रदेश में धूमल का परिवार बहुत स्ट्रांग था, धीरे धीरे करके उसे खत्म किया। अनुराग ठाकुर है, उनके बच्चे हैं अकेले, उन अनुराग ठाकुर को भी धीरे से वहां से आउट करने का सोच रखा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति रहे ही नहीं जो जनाधार वाला, फिर जो रहे वो सब हमारे आगे पीछे हमारी गुलामी के हिसाब से रहे, जो हम कह दें वही हो, कोई आवाज ना उठे। तो ऐसे लोग सीएम बनाए जाते हैं, ऐसे लोग नेता बनाए जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति। उन्हें किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, जनता से मतलब नहीं है, सिर्फ नफरत और इन सारे बूतों से खड़े होते हैं। तो इस राजनीति से जब चल रहे हो तो आप सोचिए, तो राजनीति काहे के लिए होनी चाहिए? राजनीति वैसे होनी चाहिए जैसे राहुल गांधी कहते, किसान की बात होनी चाहिए, इंसान की बात होनी चाहिए, जवान की बात होनी चाहिए, युवा की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए, होनी चाहिए आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की। तो आप उनकी बात तो नहीं करते, उनको हक देने की बात नहीं करते, उन्हें मूर्ख बनाने की बात करते। क्या मुख्यमंत्री बना दिया सैनी बिरादरी का, तो साहब हमें पूरा वोट मिलेगा पिछड़ों का, क्योंकि हमने सैनिक का बना दिया। इस नाते हम खेल खेले, हमने राजस्थान में एक ब्राह्मण बना दिया, वो ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं करेगा, वो सैनिक के लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन साहब वही है। इसी तरीके से यादवों के लिए कभी कोई करने का योगदान नहीं है मोहन यादव का, लेकिन यादव बना के हम सबसे बड़ा यादव हमारे पास। इसी तरीके से तमाम जातियों और उनके ठेकेदार बनाते हैं और वास्तव में उनकी हैसियत नहीं होती, क्योंकि हैसियत वाला रखेंगे तो सवाल करेगा, जनाधार वाला होगा तो सवाल करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हमें पूछना ही नहीं है, रखना ही नहीं। यह नरेंद्र मोदी की डिस्ट्रॉय करने की। इसीलिए जबकि कांग्रेस में इस तरह से होता है तो वहां पर सवाल जवाब होते हैं, अपनी लीडरशिप से भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां यह लोकतंत्र कायम है, वहां मुद्दों पे होता है, मेरिट पे तय होता है। मेरिट होती है कि आपका योगदान कितना है। तो यहां यदि नायब सैनी को बनाते हैं तो नायब सैनी का योगदान क्या है? उन्होंने तो पार्टी को कुछ दिया नहीं है, लिया ही है, और पार्टी को कहीं बहुत मजबूत भी नहीं किया। वो सांसद है, विधायक भी नहीं, और विधायक दल के नेता चुने जा रहे हैं। इन सारी बातों से आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की नीति वास्तव में सिर्फ और सिर्फ सत्ता की है, न वो धर्म के हैं, न मित्र के हैं, न परिवार के हैं, न पत्नी के हैं, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं और सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, बाकी सबका वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। यह बात इस देश के लोगों को समझने की जरूरत। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी इस देश के लिए मरते हैं, देश के लिए करते हैं, देश के लोगों के लिए सोचते हैं और उनके लिए करने की बात। तो यही दोनों में अंतर करता है। इसीलिए उनके साथ खुद लोग आके जुड़ते हैं और यहां मजबूरी में डर में आके जुड़ते हैं। जय।